हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सर्च तक का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि अगर मुझे ये वाला ईमेल आईडी सर्च करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और बस सर्च पे क्लिक करने पे वो ईमेल आईडी आ जा रहा है। अगर सभी के सभी मेल आईडी मुझे सर्च करना है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ और सभी के सभी मेल आईडी यहाँ पर आ जा रहा है। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं डिलीट पे काम करने वाला हूँ। मतलब अगर कोई डिलीट पे क्लिक करता है तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं चलूँगा वीएस कोड पे। और वीएस कोड पे पिछली बार हमने सर्च रिकॉर्ड का ये वाला फंक्शन लगाया था। तो इस फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे एक आईडी दिया हुआ है। मतलब ये डिलीट रिकॉर्ड है जो ऑन क्लिक डिलीट रिकॉर्ड को कॉल करता है, जो कि रो नंबर बेस्ड है। अगर जितना रो नंबर होगा वो ऊपर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन, जो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा डिलीट रिकॉर्ड का फंक्शन। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कोई डिलीट वाले बटन पे क्लिक कर रहा है तो ये डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल कर रहा है, जिसमें एज ए पैरामीटर रो नंबर जा रहा है। रो नंबर हर एक रो का डिफरेंट रहेगा जो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में है। तो यहाँ पे रो नंबर आ गया। अब रिकॉर्ड आईडी क्या हुआ कि गेट एलिमेंट वाई आईडी, अब रिकॉर्ड आईडी इसका वैल्यू ले लेगा। और अगर आप इसके वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू वो हिडन फील्ड है, मीन्स जो यूनिक आईडी हमारा है वो पास हो रहा है एज ए वैल्यू। यहाँ पे वही सेम फंक्शन है और इसमें एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। और जब ये सक्सेस हो जाता है तो हमारे पास जो भी आईडी है जिसको कि मुझे हटाना है, मैं उसको उसके आईडी से कॉल करके, जैसे कि नेम, मोबाइल वगैरह जो है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये मोबाइल नंबर है जो वहाँ पे अपेंड हो रहा है, तो ये सब डिलीट हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे एक डिलीट रिकॉर्ड चाहिए होगा कोड वाले फाइल में, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डिलीट वाला आ गया। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे कोई किसी ने डिलीट पे क्लिक किया तो ये इसमें आएगा और इसमें वही जो करंट वाला स्प्रेडशीट है वो सब लिया जाएगा और इसमें फाइंड किया जाएगा कि वो जो आईडी है, जो यूनिक आईडी है वो कहाँ मैच करता है। मतलब वो जो आईडी है जो यूनिक आईडी से मैच करेगा तो उस पार्टिकुलर रो को क्लियर कर दिया जाता है। मीन्स वो पार्टिकुलर रो क्लियर हो जाएगा तो एज वो डिलीट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड वाले में मैं उसको पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। सेम इंडेक्स वाले को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग इसको टेस्ट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करके टेस्ट करेंगे कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आ गए। अगर मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं इस पर डिलीट पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ से डिलीट हो गया। आप देख सकते हो तीन ही रिकॉर्ड है। अगर मैं इस पे डिलीट किया मैंने तो एक और रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ से इंसर्ट और यहाँ से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं एडिट के बाद इसे अपडेट करके दिखाने वाला हूँ।